सो आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्रिकेट में आपने खेला होगा, और क्रिकेट में आप सभी को पता है कि हम लोग जो खेलते हैं उसके लिए हमें चाहिए होती है बॉल। अगर मान लेते हैं आपने क्रिकेट भी नहीं खेला है तो आपने कम से कम बॉल से तो यहाँ पे खेला होगा, तो आपको पता होगा जब आप बॉल पर तुम शूट करते हो तो वो अच्छी खासी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब लपक के यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है और उसके बाद वो वापस नीचे आती है। तो मुझे आप ये बताओ कि आप बॉल को कैच कब करते हो, जब बॉल एकदम ऊपर जा रही होती है हवा में होती है एकदम 10-15 फीट ऊपर, या फिर जब आपकी लेंथ पे आती है, या फिर वो जब नीचे की तरफ आती है। ऑब्वियसली आप बोलोगे जब या तो हाथ के पास आएगी या फिर जब जमीन पे गिरेगी, तो यही चीज़ होती है ट्रेडिंग में भी। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग हमको करना है तो कहीं पे भी खरीद लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन 20 हज़ार पा रहे, 23 हज़ार पा रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिटकॉइन को कहीं भी खरीद लो, कैसे भी खरीद लो। ये चीज़ समझो उधर कि अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया तो वो नीचे भी गिरेगा। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हो सकता है यहाँ से और ऊपर चला जाए, हो सकता है 20,000-30,000 कुछ भी प्राइस यहाँ पर जा सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि प्राइस कभी ना कभी वापस नीचे भी आएगा। ठीक है, अब सबका क्वेश्चन आ रहा है कि हम बिटकॉइन को कहाँ पर खरीदें। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो ये सोचा कि 20,000 से प्राइस 40,000-50,000 अगले 6 महीने 1 साल में जा सकता है, तो बिटकॉइन को आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करके खरीद सकते हो, यानी कि हर महीना या हर 15 दिन में कुछ ना कुछ आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को जो ड्रॉप आएगा, मान लो 25,000 पे बिटकॉइन गया और 25,000 से बिटकॉइन गिर के आ गया नीचे 20,000 पे, लेकिन आप वो ड्रॉप नहीं सह सकते, तो वेट करो, क्योंकि आपको वेट करना होगा। वेट करने पर आपको अच्छा खासा एक भाव मिलेगा, आप चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली कर पाओगे। और वेट अगर आप करते हो प्राइस नीचे आता है तो आपको एक सही रेट मिलेगा जहाँ पे आप दोबारा एंट्री कर पाओगे। तो ये बेसिकली दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बॉल की तरह ही समझो। बॉल हवा में है, वहाँ पे उसको कैच नहीं करा जा सकता, लेकिन जब बॉल नीचे गिरेगी वापस से आके ज़मीन पे, तो वो आपको कैच करने के लिए सबसे बेस्ट मोमेंटम होगा, और वहाँ पे आपको सस्ता भी मिलेगा, प्लस आप आराम से काम भी कर सकते हो। तो अगर आप डॉलर को एवरेज करना चाहते हो तो एक डजन मीटर कहाँ पर जा रहा है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है वेट करो, वेट करने से आपको एक सस्ता भाव मिल सकता है। चलो मैं मान लेता हूँ कि बिटकॉइन 30,000 पार हो गया लेट सपोज, और उसके बाद आपको बाय करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्राइस कहीं ना कहीं में सस्ता मिलेगा, 30,000-28,000 मिल सकता है। 1-2,000 का मोमेंटम मार्केट में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें मैं भी आई हूँ, आपको समझ आई होंगी, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उनके जो सॉल्यूशन है, इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।